ये क्यूट सा डॉगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगिंग चैनल, दिस साइड सुप्रीति। आप सभी का स्वागत है एक और नए मज़ेदार वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बाकी आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अलग से इंट्रो शूट करने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। हमने बस ऐसे ही अचानक से रेडी होकर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बस आप इस व्लॉग को देखते रहिए। और हाँ गाइस, ये व्लॉग एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले शूट किया था, बट बीच में मेरे एग्जाम्स आ गए थे तो मुझे एडिट करके अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था कि नहीं करेंगे अपलोड, बट फिर उसके बाद सोचा कि अगर शूट किया हुआ है तो कर ही देते, आप लोग कर लेना यार थोड़ा सा एडजस्ट। अब तक आप लोग को हिंट मिल गया होगा हम क्या करने आए हैं। यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पापा जी भी चल रहे हैं यहाँ पे और मम्मी आ गए हैं, तो देखते हैं अभी चलते हैं। दुर्गेश ऑलरेडी यहाँ पर आ गया था पहले ही, तो चलो चलते हैं फिर। ये लोग हमसे पहले आकर बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे गाइस, हम यहाँ पर आए हैं एक नए मेंबर को अपने साथ घर ले जाने के लिए। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारी पहली गाड़ी है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग। बाकी यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम कौन सा क्या ले सकते हैं। हमने जो गाड़ी सेलेक्ट करी है उसके अभी पार्ट्स लग रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, और हम ऐसे ही गाड़ी में बैठ कर देख रहे थे। और मैं भी अभी बैठ चुकी हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मुझे ब्लैक कलर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ब्लैक कलर का ही लिया है हमने। गाड़ी हो या फ़ोन हो, ब्लैक कलर का ही अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर दुर्गेश बैठकर बाकी के फॉर्मेलिटीज फिल कर रहा था जो भी है। और यहाँ पर मम्मी के फेस में स्माइल देखो, बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। कैश तो पेमेंट कर दिया, अभी बिल लेते, बिल के लिए वेट कर रहे, बिल लेके जाते। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा है। बहुत दिन से वेट कर रहे थे हम लोग इस चीज के लिए, आज फाइनली पूरा हुआ, तो खुशी शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकते है। जो भी है, तो चलो अभी फटाफट से काम खत्म करते हैं। पापा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार एक्टिवा खरीदा, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकते है। बिल्कुल, तो चलो अब सब कुछ भगवान की कृपा है, वो चाहे इसलिए हम मतलब खरीद पाए, और बाकी जो भी होगा उनकी मर्जी से। तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम लेते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है ना। सेकंड टाइम थर्ड टाइम लेंगे तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी जितना कि फर्स्ट टाइम में होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सुप्रियो को यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो नहीं आ पाया बेचारा काम के वजह से, इसलिए हम तीनों को ही आना पड़ा, है ना मम्मी? भी आते बोले ये मम्मी से जब से आए हैं तब से बोल रहे हैं सुप्रियो नहीं आया यार, सुप्रियो नहीं आया यार, मतलब उनको अपना बेटा चाहिए कहीं भी जाएंगे तो। तो चलो जो भी हो, फिलहाल अंदर जाकर बैठते हैं। अभी हम नीचे गए थे तो वहाँ पे कहा कि यहाँ पे गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है गाइज, इसलिए हम लोग एसी में ही जाकर बैठते हैं वापस, है ना? हाँ। चलो गाड़ी का काम मतलब जो भी पूरा होते ही, जो भी करना है हम लोग को वो पूरा होते ही हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है? फिलहाल वेट नहीं कर रहे हम लोग। क्रिकेट देख रहा है, मैच देख रहा है। अरे गाड़ी लिए वो तो देखो ना, इधर आके भी क्रिकेट देख रहा है बैठ के। नहीं गाड़ी तो देख के आए, ये लड़कों का यही होता है, मतलब कहीं भी जाओ उनको क्रिकेट चाहिए। जब आईपीएल के टाइम पे तो कुछ उनको पता ही नहीं होता है आईपीएल के अलावा। देख फोन में चला के बैठ गया, जो पिता है ना वो लेके आया, कबड्डी कितनी का बनी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, और ये वाले भैया जो है ये हमारे गाड़ी को अभी राउंड मारने लेकर गए थे, अभी वापस भी आ गए। उन्होंने ही गाड़ी के सारे पार्ट्स लगाए थे, तो वो देख रहे थे सब ठीक ठाक है या नहीं। तो चलो अभी बिल्कुल रेडी है हमारी गाड़ी चलने के लिए। ये व्लॉग में गाड़ी लेने के कुछ दिन बाद शूट कर रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग गाड़ी को पूजा करवाने के लिए लेके जाएंगे शमशाबाद के मंदिर में, तो फिलहाल वहीं जाने वाले, तो बिना देरी के चलते हैं। चलो फिर, सुबह सुबह का वक्त है, एकदम शांति है चारों तरफ, और अभी अभी सनराइज़ हुआ है बस, अभी अभी नहीं बहुत देर पहले हो चुका है, मतलब मैं अभी देख रही हूँ। सो चलो बिना देरी के चलते हैं, और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक।
और ये देखो मंदिर के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही भोलू सो रहा है यहाँ पे अभी भी आराम से। उठ जा भाई, कितनी देर सोएगा। और यहाँ पे अभी भी भीड़ नहीं हुआ है उतना, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। किसी को अगर यहाँ के टाइमिंग्स नहीं पता तो ये लो देख लो। आप लोग अभी मुंह मीठा कर लीजिए, प्रसाद खा के हाथ धोने आए हैं। धूप काफी तेज हो रही है धीरे धीरे। इसे क्यूट सा डॉगी शायद डर रहा है ये यहाँ पर। एक्चुअली सब सारे लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, अपने चप्पल निकाल कर अंदर जा रहे हैं और ये यहाँ पे डर रहा है, इसलिए अपना मुंह पलटा कर बैठा है। अभी हमारा गाड़ी पूजा हो चुका है और हम लोग अभी ऐसे ही टहल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। और मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये मम्मी जी चाहते थे कि गाड़ी यहाँ पर लाकर पूजा करेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, मेरा मन में जो था वो आज पूरा हुआ, मेरा मन शांति हुआ। एक्चुअली हम लोग गाड़ी लेने से पहले ही बोल कर रखे थे कि हम लोग यहाँ शमशाबाद में ही लाकर पूजा करवाएंगे, तो मतलब गाड़ी लेके एक्चुअली हो गया है एक हफ्ता ऐसा कुछ हो गया होगा, बट फिर भी कुछ मतलब इशू हो गया था तो हमने नहीं निकाला था गाड़ी। तो अब आज टाइम मिला है तो आज लेकर आके पूजा करवा दिया है हमने। अभी बिंदास घूमेंगे हम लोग, है ना? हाँ, अभी घूम सकते, चला भी सकते, इतने दिन चलाई भी नहीं गाड़ी। अच्छे से पूजा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और सुप्रियो को मिस कर रहे हैं यार, सुप्रियो और पप्पा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो लोग तो आए नहीं है, घर पे ही है, वो लोग कुछ काम की वजह से नहीं आ सके हैं। हाँ, पापा का काम है ना, इसलिए रुक गए उन्होंने, नहीं तो उन्होंने भी आ सकते। और भूख भी लग रही है गाइस थोड़ी बहुत, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाकर नहीं निकले थे, तो देखते हैं क्या खा सकते हैं। हाँ, जाते जाते नाश्ता करके फिर निकल जाएंगे घर की तरफ। तो आज का नाश्ता मम्मी करवाएंगे, ठीक है? अभी ऑन कैमरा बोला है मम्मा ने। बिल्कुल। मतलब आप तो, आपका ही मर्जी आज पूरा हुआ ना, मतलब आप ही चाहते थे कि गाड़ी यहाँ पर लाके पूजा हो, तो आपकी मर्जी पूरी तो आपको ही खिलाना पड़ेगा। पक्का पक्का खिलाएंगे। और यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा झील भी है एक, बट अभी धूप है ना, इसलिए मतलब धूप लग रही है बहुत ज्यादा। शाम के टाइम पे ठंडा हवा आएगा यहाँ। पानी बहुत था, अभी गर्मी का वजह से थोड़ा कम हो गया है। हाँ, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। यहाँ तक आता था पानी, ये वाले स्टेप तक आता था, अभी वो धूप का वजह से कम हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब हम लोग तो अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही आए थे तब धूप कम ही था, अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पता नहीं जाते जाते क्या होगा, पता नहीं और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तब तो। और बाकी झील का व्यू देख लो आप लोग एक बार, मैं अच्छे से बता देती हूँ आप लोगों को। इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी कि हेडेक शुरू हो गया था, तो मैंने इसे स्काफ ओढ़ लिया ताकि धूप ना लगे सर पर। और यहाँ का व्यू देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ऊपर से सुबह सुबह का वक्त है, तो एकदम शांति है चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम बस घर पर लौटे रहे थे कि हमको हनुमान जी दिख गया रास्ते में, और इसके बिल्कुल सामने ही एक मंदिर भी है ये वाली, तो हमने सोचा कि ये भी एक बार देख लेते हैं आकर। और अभी हमको लग चुकी है बहुत ही ज़्यादा भूख, तो हम यहाँ पर आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करते हम वहाँ से निकल गए घर के लिए। मैंने तो सोचा था कि और शूट नहीं करेंगे, फ़ोन भी रख लिया था मैंने। और फिर उसके बाद ये जगह देखी मैंने, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये झील का व्यू, और साइड में ये पहाड़ों का व्यू भी आ रहा था, छोटे छोटे पहाड़ नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कैप्चर तो करना ही पड़ेगा। एक साइड झील, एक साइड पहाड़, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। सो आई थिंक यार दैट्स इनफ फॉर द वीडियो गाइस। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डू कमेंट एंड शेयर। दिस इज सुप्रीति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।